हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप सुबह की चाय या शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप कुछ समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से एक कप बेसन लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन के टेस्ट से हमारी पपड़ियों का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे, आधा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को भी हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे। सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्नैक्स को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसे आप एक बार जरूर बनाकर देखें। ये स्नैक्स सभी को बहुत पसंद आएंगे। सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक टमाटर को बारीक पीस कर छान लिया है। अब टमाटर के रस को हम बेसन में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमें सख्त डो चाहिए, इसलिए हम टमाटर के रस को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतना सख्त डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट तक कवर करके रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे दो भागों में कर लेंगे और लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोई बना लेंगे। अब मैंने एक पॉलीथिन ली है और इसे मैंने इस तरह से कट करके दो भागों में कर लिया है। यहाँ पर मैंने लोई पर तेल लगाया है। इस तरह से हम दूसरी पॉलीथिन को लोई पर रख देंगे और इसे अब बेलेंगे। पॉलीथिन पर रखकर बेलने से हमारी लोई चिपकेगी नहीं, इसे हम आसानी से बेल सकते हैं। इसे हमें पतला पतला बेलना है। पलट पलट कर हम इसे बेलते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब ऊपर की पॉलीथिन को हम हटा लेंगे। अब इसे हम कटोरी से कट करेंगे। आप चाहें तो इसे ग्लास से भी कट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे सर्कल शेप में कट कर लिया है। इस एक्स्ट्रा आटे को हम डो में मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पपड़ी ली है, इसे हम चाकू की सहायता से बीच में से कट कर लेंगे। याद रहे हमें इसके किनारे को कट नहीं करना है, बीच बीच में से इसे कट करेंगे। अब इसे हम धीरे से उठा लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम पपड़ियों को धीरे से उठाकर कढ़ाई में डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे। इन्हें हम अलट पलट करते हुए हल्का ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप देख सकते हैं पपड़ी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी पपड़ियाँ तल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह से आप टमाटर के फ्लेवर की पपड़ी तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप बनाकर कुछ समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी इसे सर्व कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।